हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आसमाज ऑल इन वन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ढोकला की रेसिपी। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बाउल में लेंगे 2 कप बेसन, इसमें हम और लेंगे 1 कप रवा, फिर हम इसके अंदर लेंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, हमने इसके अंदर लिया है बेकिंग पाउडर, 1/2 टेबल स्पून शुगर, 2 चुटकी हल्दी, पूरे इंग्रेडिएंट को हम मिक्स कर लेंगे। बैटर मिक्स कर लेने के बाद हम इसके अंदर लेंगे स्वाद अनुसार नमक, फिर हम इसके अंदर लेंगे पानी। पानी हम कंसिस्टेंसी के हिसाब से लेंगे। इस बैटर के अंदर हमने पानी मिक्स किया है, इस तरीके की कंसिस्टेंसी आपको इसकी कर लेनी है, आप देख सकते हैं। फिर हम इसके अंदर लेंगे 1/2 लेमन, 1/2 लेमन का जूस हम इसके अंदर ले रहे हैं। यहाँ पर हमारा बैटर बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पर हमने इसके बाद एक टिन लिया है, जो हम नॉर्मली केक के लिए वगैरह टिन यूज़ करते हैं उसी तरीके का टिन लिया है। आपके पास कोई दूसरा बर्तन हो तो भी आप ले सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। आज हम कढ़ाई में ढोकला बनाने वाले हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर कढ़ाई ली है, जिसके अंदर हमने पानी बॉयल होने के लिए रखा हुआ है। यहाँ पर हमने बर्तन को अच्छी तरीके से ग्रीस कर लिया है। अब हम इसके अंदर बैटर पोर करेंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इसी तरीके से आपको इसकी कंसिस्टेंसी बनानी है। पर हमने बर्तन में सारा बैटर पोर कर लिया है। अब हम इसको कढ़ाई में स्टीम होने के लिए रखेंगे। कढ़ाई में हमने इसको रख लिया है। हमें इसे 10 मिनट तक मीडियम आंच पर स्टीम होने देना है, फिर हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पर 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम चेक करेंगे हमारा ढोकला बनकर रेडी हुआ है या नहीं। आप देख सकते हैं, अब हम चेक कर रहे हैं और ये पूरी क्लियर स्टिक आई है, मतलब यहाँ पर हमारा ढोकला बनकर रेडी हो चुका है। अब हम उसे बाहर निकालेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से बनकर रेडी हुआ है। पर हमने ढोकले के स्पॉन्ज को ठंडा होने के बाद मोल्ड से बाहर निकाल लिया है। अब हम इसको कट करेंगे। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से इसको छोटे छोटे पीस में कट कर ले रही हूँ। इसी तरीके से आप कट कीजिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं हमने किस तरीके से इसे कट कर लिया है और कितने अच्छे तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पर हमने पैन गर्म होने के लिए रखा है और इसके अंदर हमने थोड़ा सा ऑयल लिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है उसके अंदर हम डालेंगे मोहरी। फिर हम उसके अंदर डालेंगे कड़ी पत्ता, फिर उसके अंदर हम डालेंगे हरी मिर्च, फिर हम उसके अंदर डालेंगे पानी, फिर हम इसके अंदर डालेंगे शक्कर, जैसे इसके अंदर की सारी शक्कर मेल्ट हो जाती है हम इसको ऊपर देंगे तड़का।
तड़का देने के बाद हमें इसे 5 मिनट के लिए इसी तरीके से रेस्ट के लिए रखना है। यहाँ पर हमारा टेस्टी खमंग ढोकला बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।